हेलो फ्रेंड, मैं अवंतिका आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल अवंतिका गार्डनिंग टिप्स पे। आज की वीडियो हम लेके आए हैं अपनी शॉपिंग पे। तो देखिए, ये हमने शॉपिंग की है। ये देखिए, ये हमने 4 प्लांट खरीदे हुए हैं रोजेस के। ये हाइब्रिड गुलाब है, ये देखिए, ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। हमें एक फ्रेंड ने कहा था कि गुलाब पे वीडियो बनाइए, तो मैं उस पे वीडियो बनाने के लिए इसको लेके आई हूँ। फ़िलहाल मेरे पास और भी गुलाब थे, लेकिन मुझे ये काफ़ी अच्छे लगे तो मैं इनको लेके आई हूँ। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत कलर है। जैसा कि आपको पता ही है, मैं जब भी कोई प्लांट खरीदती हूँ तो उसकी हेल्थ अच्छी हो तो ही खरीदती हूँ। फ्लावर से मेरा कोई वो नहीं रहता है, क्योंकि फ्लावर तो बाद में आ ही जाते हैं, लेकिन उसकी क्वालिटी और उसके पेड़ की जो साइज़ होता है, पेड़ की हेल्थ कैसी होती है, उस हिसाब से हम पौधा खरीदते हैं। तो देखिए, ये हमारा गार्डन है। अभी तो मेरा गार्डन सारा कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ है, क्योंकि मेरे यहाँ कुछ थोड़ा सा काम चल रहा है, तो उस वजह से मैं इसको सही से नहीं कर पा रही हूँ। तो जहाँ भी जगह पाती हूँ मैं वहीं सूट कर लेती हूँ। तो ये देखिए, इकोलियस का पौधा है। ये सारी मेरी सीडलिंग लगी हुई है, और इधर ये कुछ प्लांट जिनमें फ्लावर्स आ रहे हैं। तो अब ये देखिए, ये मेरा कश्मीरी रोज है। ये भी देखिए, मैंने अभी इसमें बहुत ज़्यादा फूल लेने की कोशिश नहीं की है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये मेरा पौधा अच्छे से तैयार हो जाए तो मैं इसमें फ्लावरिंग लूँगी। क्योंकि जब पौधा अच्छे से तैयार हो जाता है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर आते हैं, वो पौधा हमारा देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। जैसे कि आप छोटा सा पौधा लेके आए हैं, उसमें एक ही दो फूल आ रहे हैं, आप उसको ले रहे हैं, तो क्या होता है कि पौधा हमारा सारी एनर्जी एक जो भी बड बनती हैं उसमें लगाता है, उसकी नई ग्रोथ रुक जाती है। तो अगर आपके पास आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर लेने हैं अपने पौधे से, गुलाब के पौधे से अगर ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर लेने हैं, तो छोटे पौधे से कुछ दिन के लिए अवॉइड कीजिए फ्लावर लेने के लिए। क्योंकि जब आपका पौधा अच्छे से तैयार हो जाएगा, अब ये देखिए, ये मेरा छोटा सा पौधा है और इसमें 3 फ्लावर आए हुए हैं। इसको कटिंग से अभी मैंने लगाया था, अब ये कटिंग चल के इसमें फ्लावर आ गए हैं, तो मैं इन फ्लावरों को कट कर दूंगी और अब भी मैं इसमें फ्लावर नहीं लूंगी, जब तक के लिए ये पौधा पूरी तरीके से तैयार नहीं हो जाएगा। ये अच्छे से तैयार हो जाएगा, भर जाएगा अपनी टहनियों से, तो उसके बाद मैं इसमें फ्लावर लूँगी। तो आप मेरे गार्डन का ओवरव्यू देखिए, मैं आपको जानकारी दे रही हूँ गुलाब के पौधे कैसे खरीदें। आप अगर हाइब्रिड रोज ले रही हैं या ले रहे हैं, तो आप एक चीज़ का ध्यान रखिए कि पौधे की हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। मतलब जो शाखाएँ निकल रही हैं उसमें से, वो हेल्दी शाखाएं निकल रही हों। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम पौधा लेते हैं, उसमें पतली पतली डंडियां निकलती हैं, वो हमेशा ऐसे ही रहती हैं। तो आप जब भी लीजिए पौधे को, तो उसमें देखिए एकदम अच्छी सी मोटी टहनी निकल रही हो। जब भी ग्रोथ कर रहा हो पौधा, अच्छी टहनी निकल रहा हो, वैसा ही पौधा खरीदिए। और दूसरी बात ये है कि आप जब भी कोई पौधा ख़रीदें, तो आप उसके मेन ग्राफ्टेड को चेक कर लीजिए कि ग्राफ्टेड उसका कितना मजबूत है। अगर आपका उस पौधे का ग्राफ्ट मजबूत नहीं होगा, तो भी उसके मरने के चांस रहते हैं। क्योंकि ऊपर से जो ऊपरी जो टहनी होती है ग्राफ्टेड के पास से, वहाँ से डाईबैक की समस्या शुरू हो जाती है, वहीं से सूखना शुरू होता है। हमारा ग्राफ्टेड अगर सूख गया तो हमारा पौधा मर जाएगा।
तीसरी बात ये है कि जब भी आप खरीदें गुलाब के पौधे को, ग्राफ्टेड रोज को, तो आप नीचे ग्राफ्ट के नीचे पोर्शन में आप चेक कर लीजिए कि उसमें सकर तो नहीं निकल रही है। कई बार क्या होता है, हम लेके आते हैं पौधा, उसमें ऊपरी ग्रोथ तो होती ही नहीं है, नीचे से सकर बार बार हम चाहे जितना हटाएं वो निकलती रहती है। तो सबसे पहले आप चेक कर लीजिए, देखिए ये देखिए, मैंने ऐसे पौधे खरीदे हैं जो ग्राफ्टेड के ऊपर से शाखाएं निकलती, नीचे नहीं निकलती हैं। ग्राफ्ट पोर्शन अच्छा होना चाहिए। तो ये मेरे गुलाब हैं, नर्सरी वाले भैया ने बताया था कि इसमें एक ही प्लांट में कई कलर आएंगे, तो मैं इस वजह से इनको और ख़रीद के लाई हूँ कि एक ही प्लांट पे देखते हैं कौन कौन से कलर आते हैं। तो इस वजह से लिया। ये हमको एक प्लांट, एक पौधा इसका 250 रुपए का पड़ा हुआ है। ये देखिए, इस टाइप से शाखाएं निकल रही हूँ, क्योंकि जब पौधा अच्छी ग्रोथ नहीं करेगा तो वो आपके यहाँ उतना सर्वाइव नहीं कर पाएगा जितना करना चाहिए। ये देखिए, मैंने जो भी पौधा खरीदा है बहुत हेल्दी खरीदा है। ये देखिए, ये देखिए, उन्होंने बताया था कि अभी तो उसमें कोई कलर दिख नहीं रहा है, एक ही कलर दिख रहा है, लेकिन उन्होंने कहा था कि अगर इसमें एक पौधे में कई कलर के फ्लावर आते हैं, मोस्टली दो कलर के तो आते ही हैं, तो अब देखते हैं कैसा क्या आता है। अभी तो मुझे पता नहीं चल रहा है, जब इसमें दूसरे बर्ड आएंगी फ्लावर खिलेंगे तो ही पता चल पाएगा। तो ये देखिए, ये ग्रो बैग में इस तरीके से लगाए हुए हैं, और ये देखिए ऊपर से तो पौधा मेरा ग्रोथ कर ही रहा है, ग्राफ्ट पोर्शन से भी इसमें जो कलियां निकल रही हैं, टहनियां बन रही हैं, वो भी निकल रही हैं। तो फ्रेंड, गुलाब का बस यही रहता है कि उसकी अच्छी ग्रोथ होनी चाहिए, अच्छा पौधा लीजिए तो अच्छे से हमारे पास चल पाते हैं, नहीं तो वो मरने के चांस ज़्यादा रहते हैं। मजबूत टहनी होनी चाहिए, जो ग्राफ्ट पोर्शन होता है उस पे मेनली ध्यान देने की बात है। ये देखिए, इस टाइप से गुलाब अगर लेना है तो आप, इनको टाइगर रोज़ भी कहते हैं, जो सेडेड में होते हैं ऊपर से छींटे पड़ी होती हैं, इनको टाइगर रोज़ भी कहते हैं। तो ये देखिए, ये देखिए बर्ड कितना हेल्दी है ना। ये देखिए, आप जब भी कोई पौधा खरीदें गुलाब का या परमानेंटल प्लांट पे, खासकर जो परमानेंट प्लांट होते हैं उनको आप बहुत अच्छे से चेक करिए, उनकी अच्छी ग्रोथ हो तो ही लाइए, क्योंकि परमानेंट आपको रखने हैं तो तभी रह पाएंगे जब उसकी हेल्थ वहीं से अच्छी होगी। ये देखिए, ये रेड कलर का है मेरा, और इसमें दूसरा कलर कौन सा आएगा अब खिलने पे ही पता चलेगा। तो फ्रेंड, तो जब मैं इसकी ट्रांसप्लांटिंग करूँगी तो आपको वीडियो में बताऊँगी इसमें कैसे की मिट्टी तैयार करें। तो ओके फ्रेंड, बाय बाय।